حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر تعریفات دلائق کبریائی بڑھائی تنہائی اقتداد تمہیدات تمجیدات اللہ جل وعلا دی ذات مولا واسطے ان گنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام امام کائنات امام الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں سبنا دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و بالا واسطے
ज़ीवाकार वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम अजीज़ा ने गिरामी गिरामी कदर अल्लाह तबारक व ताला दा जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। इस नफसा नफसी दे आलम दे बावजूद मैनू और तुसा अपना नू उस जाते बारी ताल ने अपने घर दे अंदर बार वक्त पहुंच के खुतबा जुमातुल मुबारक सुनन दी और सुनान दी तौफीक अता फरमाई है। दुआ करो अल्लाह तबारक व ताला हमेशा बकिया जिंदगी अपने घर दे अंदर बार वक्त पहुंच के अपनी इबादत करन दी तौफीक अता फरमाए। यकीन जानिए इस दौर के अंदर अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे नू अपनी इबादत करन दी तौफीक अता कर दे और खिदमत खलक दा जज्बा अता कर दे, इंसानियत दी खिदमत करन वाला एहसास उदे दिल दे अंदर दिमाग दे अंदर जा गुजी फरमा दे, समझ लो सब तो बड़ा सब तो कामयाब इंसान होया कर दे। बड़े बड़े साहिबे सरवत बड़े बड़े मालो दौलत वाले माल दे अंबार ने लेकिन एक वक्त आंदे एहो ही साहिबे सरवत अपना माल अपने खजाने अपनी दौलत अपने वरसा दे हवाले करके कब्रस्तान दी जीनत बन जांदे। तौफीक नहीं मिलती दुनिया दे अंदर इंसानियत दी खिदमत दी। जरा गौर दे नाल समात फरमाया जे प्यारे महबूब पैगंबर जग्गा दे पीर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक बुनियाद की तरह है जिस तरह एक दीवार एक पिलर और थंब और आपने अपने दोनों हाथों दिया उंगलियां नू आपस के अंदर मिलाया। फरमाया अल मुमिनु कल बुनियान जिस तरह एक इमारत होया कर दिए इस तरह मोमिन का पूरा जिसम और मोमिन आपस के अंदर इस तरह ताल्लुक रखते ने पांव के अंदर कांटा लगे इंसान के पूरे जिसम नू तकलीफ महसूस होंदी है। एक मोमिन नू तकलीफ पहुंचे दूसरा मोमिन तड़प जांदा है कि मेरा मुसलमान वीर मेरी मुसलमान बहन मेरी मुसलमान मां आज फलस्तीन दे अमाजगा दे अंदर फलस्तीन दे अंदर उन्हों जुल्म और सितम दे अंदर मुबतला किया गया है और इसराइल दे अंदर रहने वाले नापाक जिसम यहूदी साढ़े मुसलमान मोमिना दे उते जुल्म और सितम दी इंतहा कर रहे ने साढ़े मुसलमान बेहस हो चुके ने। गौर कीजिए जरा अज सानू चाहिदा ए सी कि असी उन्हां दी मदद वास्ते जिस तरह भी हो सकदा तावुन कर दे लेकिन तस तो मस नहीं साढ़े दिल दिमाग दे अंदर उन्हां दा एहसास नहीं। जरा अपने घर दे अंदर जेन दौड़ा के देखो तसव्वुरात दी दुनिया दे अंदर आके देखो साढ़े बच्चे नू साढ़े बेटे नू साढ़ी बीवी नू साढ़े घर वालियां चो किसे फर्द नू तकलीफ पहुंचे क्या तकलीफ नहीं आउंदी? तकलीफ हुंदी है बहुत बड़ी तकलीफ होया करदी है। साडे मुसलमान वीर साडी मुसलमान मां अज साडी तरफों मदद दे मुंतजर ने साडी तरफ नजरां लगा के बैठे ने कि किस वक्त साडे पाकिस्तानी वीर साडी मदद वास्ते आउंदे ने लेकिन साडी ए मुसलमाना दी बेहिस्सी असी उना वास्ते मदद वास्ते पहुंचना ते दरकिनार है दूर दी बात है असी उना वास्ते अपनी तरफों कुछ तावुन भी नहीं भेज सकते। आइए जरा गौर कीजिए
इस हवाले चंद गुजारशात पेश करांगा। दुआ करो मैनू अल्लाह तबारक तआला हक ते सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आयतुल कुर्सी मैं मुताला कर लिया सा। सैयदना अबू हुरैरा आखो रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक दी सब तो आला सब तो अजमत वाली आयत जानते हो ना केड़ी आयत? आज तीसरा जुमा है, आज तीसरा जुमा आयतुल कुर्सी दे मुतालिक। एदियां छे सिफात बाकी ने। आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर छे बाकी जेड़ियां सिफात ने इंशाल्लाह बयान करनियां ने। सुनन वास्ते तैयार हो ना इंशाल्लाह? आइए जरा गौर कीजिए इन्हां सिफात दे नाल नाल मुआशरे दा जेड़ा हाल है और साढ़े मुसलमान भाई बहन माँ अज जुल्मो सितम दी चक्की दे अंदर पिस रहे ने। साढ़े मुसलमान दूसरे ममालक दे अंदर वसन वाले उन्हां दी तरफों की रद्द अमल पेश आ रहे और सदे बाप वास्ते केड़ा ताबुन नजर आ रहे। आइए जरा गौर कीजिए अल्लाह पाक सब तो आला जात है सब तो बड़ी जात है। आज अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे इसराइल दे अंदर वसन वाले ओ यहूद यहूदो नसारा नापाक लोग और जालिम लोग इन्हां जान लेना चाहिए। अगर अल्लाह चाहे आज भी अपनी तरफों अबाबीला नाजिल करके अपनी मदद कर सकता है मुसलमाना दी। अपने प्यारे बंदियां दा किबला अव्वल ओदी हिफाजत वास्ते अबाबील उतर सकते ने कि नहीं उतर सकते ने? लेकिन याद रखिए जिस वक्त मुसलमान रूए जमीन ते नहीं सन अल्लाह पाक ने उस वक्त अपने मुसलमान बंदियां दी मदद वास्ते अबाबीला नू नाजिल फरमाया और उन्हां दे चुंजां दे अंदर कंकर पकड़ा दिते और फिर उन्हां कंकरां नू बंब बनाया। आज भी अगर अल्लाह चाहे इस चीज ते कादिर है ओ कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है हर चीज ते कुदरत रखने वाला है ओ कादिर भी है ओ कदीर भी है हर चीज ओदे इख्तियार दे अंदर है। लेकिन जदों इंसानियत नू पैदा करन ते बाद अल्लाह पाक ने अपनी इबादत दी तौफीक अता फरमाई अपने मुसलमान बंदे पैदा फरमाए और मोमिनीन दे दिलां दे अंदर दिमाग दे अंदर ए बात बिठा दित्ती मैं अल्लाह हर चीज ते खालिक हैं हर चीज ते कादिर हैं मैं कदीर हाँ। ते फिर बंदियां दी मदद दे लोग मुंतजिर ने हुण अबाबीला ने नाजिल नहीं होना हुण अल्लाह दी तरफो अजाब ते नाजिल हो सकदा है अबाबील नाजिल हो सकदे नहीं। अल्लाह हर चीज ते कादिर है कर सकदे लेकिन हुण बंदे मोमिन पैदा हो चुके ने। इतनी बड़ी इंसानियत का मजमा है मुसलमान हर तरफ नजर दुड़ाऊ मुसलमान नजर आ रहे ने लेकिन एक छोटे जे खित्ते दे अंदर किबला अव्वल दी हिफाजत वास्ते मुसलमान तैयार ना होण ते समझ लो अल्लाह दी अल्लाह दे अजाब नू दावत है। आइए जरा गौर कीजिए अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर जगां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ए दुनिया कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले लोगों नू ऐलान फरमा दियो हां रब्बे जलील किस चीज दा ऐलान करना है। खोलिए पहला पारा अल्लाह पाक फरमांदे ने या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ दुनिया कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले हो ऐ लोगो इबादत करो अपने रब दी अपने रब नू पूजिया करो अपने रब दे सामने सर रख करके उनू मनाया करो सर सजदे दे अंदर रख करके रब दे नाल यारियां फखियां कर लो अपने रब नू अपना यार बना लो। यार दुनिया कायनात दे अंदर असी लोगों दे नाल यारी लगा लैने यार किसी
दे नाल मुहब्बतां करने आ। हो सकदा है मुहब्बत तमा दी खातर होए, दुनिया दे लालच ते हिरस दी खातर होए, लेकिन मैं कुर्बान जावां जेड़ा बंदा जेड़ा मोमिन जेड़ा मुसलमान मेरा वीर मेरा दोस्त मेरा बेली मेरा यार अल्लाह नू अपना दोस्त बना ले, अल्लाह दे नाल मुहब्बतां पा ले, अल्लाह दे नाल मुहब्बतां करनियां शुरू कर देवे, अल्लाह पाक उन्हूं अपना महबूब बंदा बना लेंदे ने। हुण तू सवाल करेगा अल्लाह किस तरह मुहब्बत कर देने। आज़रा तेनू मैं एक नुस्खा दस दें, अपने दिल की तख्ती ते नोट कर लवी। रात दा वेला होवे दिन दा वेला होवे दिन दे जेड़े मर्जी टाइम दे अंदर अपने रब नू पुकार लवी, अपने रब नू याद करिया कर, अपने रब नू याद करके अपने गुनाहां दियां गठड़ियां अपने सामने रख करके अपने रब दे कोलों माफियां मंग लिया कर। अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार मैं बड़ा पापी हाँ मैं बड़ा सियाकार हाँ मैं बड़ा खताकार हाँ। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे हाली तक ते तौबा भी नहीं की थी, अपनी जुबान तो इकरार कीता ही एतराफ कीता ही। ऐ मेरे बंदे खुश हो जा, मैं तेरी सारी जिंदगी दे गुनाहां ते अपनी रहमत दी कलम फेर दित्ती है। आइए जरा गौर कीजिए मैं बात कर रहा सा। अल्लाह फरमांदे ने या अय्यो हन्नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलकाकुम वल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अपने रब नू पूजिया करो, अपने रब दे सामने सर रख करके अपने रब दे नाल यारियां लगा लाओ, अपने रब दे नाल मुहब्बत करिया करो। यार दुनिया कायनात दियां मुहब्बतां ते हो सकदा है लालच होए, हो सकदा है हिरस होए, हो सकदा तमा होए, किसे ना किसे तमा दी खातर इंसान किसे दे नाल मुहब्बत करदा होए, लेकिन मैं कुर्बान जावां जेड़ा रब दे नाल मुहब्बतां करदा है। रब अपने बंदे नू बेयारो मददगार नहीं छड़दा, अपने बंदे नू अकेला नहीं छड़दा। कब्र दा वेला होए हशर दा वेला होएगा नशर दा वेला होएगा, अपने बंदे नू बेयारो मददगार नहीं छड़ेगा। अपने बंदे दे नाल बेयारो मददगार छड़ करके बेवफाइयां नहीं करेगा। अल्लाह पाक ने कुर मकाम ते फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने मेरे पाक महबूब पैगंबर जगां दे पीर जनाब मुहम्मद कंजूसी ना करिया करो, जदों प्यारे महबूब पैगंबर दा नामे नामी इसमे गिरामी मुबारक नाम आए ते गज वज के पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। यार मैं ते तू अज रब दे घर दे अंदर जमा खुतबा जुमातुल मुबारक सुना सुनन दी अल्लाह ने तौफीक अता कीती है। अल्लाह पाक ने इस्लाम जैसी दौलत दे नाल माला माल कीता ई। ये सारियां दुआवां नबी पाक दी मुहब्बत दियां दुआवां दी बरकत दे नाल है। अल्लाहु अकबर गौर कर दिया जाना। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर जगां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ए कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालियां नूं ऐलान फरमा दियो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। इन्हां नूं दस दियो अगर तुसी अल्लाह दे मुहिब बनना चाहते हो, अल्लाह दे महबूब बंदे बनना चाहते हो, अल्लाह दे नाल सच्ची ते सुच्ची मुहब्बत करना चाहते हो ते अल्लाह दे महबूब बंदे बनना चाहते हो, अगर तुहाडे दिल दे अंदर ए बात खटका पैदा कर रही है कि मेरा रब
साडा रब साडे नाल मुहब्बतां करनियां शुरू कर देवे ते मेरे नाल मुहब्बतां करो। नबी पाक दे नाल मुहब्बतां करिया करो। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दे नाल मुहब्बत दा अंदाज की होया करदा है। फत्ताबिउनी तुसी नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दियां मुहब्बतां करो और ओदी सुन्नत दी पैरवी करिया करो। आप दे मुताबिक अमल करोगे अल्लाह तुहानू अपने महबूब बंदे बना लेगा। आइए जरा गौर कीजिए, मैं आयतुल कुर्सी दियां अपनियां सिफात बयान करन लगा वा। अल्लाह पाक फरमांदे ने लहू मा फी समावाति व मा फिल अर्जी, ओ जेदी मलकियत आसमानो जमीन है। आसमानो जमीन नु अल्लाह पाक ने बनाया ही, आसमान नु बनाने वाला भी अल्लाह है, जमीन नु बनाने वाला भी अल्लाह है। जमीन अंदर जितनिया भी मखलूकात ने अल्लाह इन्हां भी पैदा किया। हर चीज का खालक ते मालक ते राजक अल्लाह पाक दी जात है। आइए जरा गौर कीजिए, दूसरी सिफ आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर जड़ी मैं बयान करन लगा, अल्लाह पाक दा तारुफ करवा रहा वा। अल्लाह पाक फरमांदे ने या अल्लामु मा फिस समावाति व मा फिल अर्जी, या अल्लामु मा फिस समावाति व मा फिल अर्जी, अल्लाह जानदा है आसमान जमीन दे अंदर जो कुछ हो रहा है। अल्लाह दी मलकियत दे अंदर जेड़ी चीज है अल्लाह जानदा है अपनी मलकियत दे अंदर हर चीज नु। अल्लाह पाक आसमान ते मुस्तवी है, आसमान ते वे, लेकिन हर चीज नु देख रहा है, हर चीज नु मैनेज कीता है। यार मैं ते तू एक चीज नू बनाने आ ते सानू पता होया करदा है इहदे अंदर ऐ चीज पाई जांदी है, इहदे अंदर ऐ चीज खराब हो गई ते सारी चीज नकारा ते बेकार हो जाएगी। इसे तरह ही अल्लाह वास्ते ते नजीर दी जरूरत ही कोई नहीं, अल्लाह वास्ते मिसाल दी जरूरत ही कोई नहीं। लैसा का मिसले शयो, लैसा का मिसले शयो, अल्लाह वास्ते मिसालां दी जरूरत, अल्लाह वास्ते ते मिसालां दी जरूरत ही नहीं होया करदी। आइए जरा मैं आयतुल कुर्सी इब्तिदा तो पढ़न लगा वा ताकि गुज़िश्ता खुतबात भी तुहाडे ज़हन दे अंदर आ जान। अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ी मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ाउ इंदाउ इल्ला बिइज़्निही, मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ाउ इंदाउ इल्ला बिइज़्निही। इत्थों तक गुज़िश्ता खुतबात हो गए सन, अगे जरा मैं तुहानू दसन लगा अल्लाह पाक दा तारुफ करवाण लगा। पहली सिफ या अल्लामु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ी, या अल्लामु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ी। यार तुहानू ते आयतुल कुर्सी याद हो जानी चाहिदी है, तुसी मेरे नाल नाल पढ़ो तुहानू मजा आना चाहिदा है। कुराने पाक दी सब तो अजमत वाली आयत है, मैं दस रहा सां। पैगंबर जगां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम दे प्यारे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करदे सन कि जदों मैं ए हदीस मुबारक पढ़ी सी कि जेड़ा बंदा रात वेले या दिन दे वेले आयतुल कुर्सी पढ़ लैंदे अल्लाह पूरे कर दियां हिफाजतां वास्ते फरिश्तियां नूं
निगरान मुकरर कर देने ते मैं रोजाना दो तो तीन मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़िया करदा सा। इमाम यहिया बिन माईन रहमतुल्ला अलैह लिख देने के जो मैं सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा ए अमल देखिया रोजाना पांच तो छे मरतबा सुबह दे वेले ते शाम दे वेले आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने बीवी बच्चियां नू दम करदा सा। एक मरतबा वाकया पेश आ गया उस वाके तो बाद 50 तो 60 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं दम करदा सा। अल्लाह पाक दी बरकत है अल्लाह पाक दी अजमत दी बरकत दे नाल अल्लाह ने हर चीज तो मैनू मुस्तगनी कर दिता है। आइए जरा उस आयत की मैं फजीलत बयान कर दी है। उस आयत के अंदर जड़ी अल्लाह की शान अल्लाह की तारीफ बयान हुई है अल्लाह दियाँ सिफतं बयान हुई ने। पहली सिफत आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे आइए जरा गौर कीजिए अल्लाह पाक फरमाते नहीं या अल्लाह मुमाफि समावाति व माफिल अर्जी या अल्लाह मुमाफि समावाति व माफिल अर्जी। अल्लाह जानदा है आसमान जमीन दे अंदर की हो रहा है। जेड़ा बंदा किसे ते जुलम करदा है अल्लाह नू ओदा भी इलम है। जेड़ा बंदा किसे दे नाल तावुन करदा है अल्लाह नू ओदा भी इलम है। जेड़ा बंदा किसे दा ख्याल करदा है अल्लाह नू ओदा भी इलम है। अज फलस्तीन दे अंदर जेड़ा जुलम व सितम हो रहा है यहूदो नसारा जालिम लोग उन्हां ते जुलम सितम कर रहे ने। यार बच्चे बिलकते अपने वालिदैन दियां अखां दे सामने रो रो के अपनियां जानां दे नजराने पेश कर रहे ने। यार बच्चे छोटे छोटे बच्चियां दियां नन्नियां मुनियां अखां दे सामने बच्चियां दे अखां दे सामने वालिदैन अपनियां जानां दे नजराने पेश कर रहे ने। अल्लाह अकबर कुर्बान जावां क्यामत दा वेला होएगा अल्लाह पाक दा दरबार लगा होएगा अदालत आलिया कायम होएगी इना जालमानू रब ताला अपनी अदालत दे कटहरे दे अंदर खड़ा करके पूछेगा भी आइए जम्बिन कुतिलत इस बच्चे नू या बच्ची नू किस वजह दे नाल किस गुनाह दी पादाश दे अंदर कतल किया गया सी। ए क्यामत दे दिन फैसले हो अज जार तू अपने दिल दिमाग के अंदर उन्हां दी मदद वास्ते अपनी जेब के अंदरों कुछ ना कुछ तावन करिया कर। यार मैं फुलां टीम नू मैं जमा करवा देव यार मेरे तरफों उन्हां वास्ते तावन लै जाओ हो सकता है मेरा ये तावन कबूल करके अल्लाह मदद वास्ते मेरा नाम भी सब दे अंदर शामिल कर लेंगे। आओ जरा मैं गौर कर दिया जाना मैं बयान कर लिया सा। अल्लाह पाक दी सिफत या अल्लाह माफी समावाति व माफिल अर्जी अल्लाह नू पता है अल्लाह जानदा है हर चीज दा इलम अल्लाह दे कोल है। अल्लाह अकबर अगली सिफत मन जल्लजी अशफाउ इंदाउ इल्ला बिइज़्निही मन जल्लजी अशफाउ इल्ला बिइज़्निही या अल्लाह माफी समावाति व माफिल अर्ज़ी मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदाउ इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैनू हर चीज का इलम है वला युहीतूना बिशैइ मिन इल्मिही अल्लाह इहाते दे अंदर अल्लाह ने हर चीज का इहाता किया है अल्लाह के इहाते दे अंदर हर चीज का इलम है। एक छोटी जी चीज भी अल्लाह के इलम दे अंदर है पत्थर दियां सत्तां तैवां दे अंदर रिजक अल्लाह मुहैया कर रहा है वह भी अल्लाह के इलम दे अंदर है। अगर अशरफुल मखलूकात का फर्ज अल्लाह तो बगावत करता है अल्लाह नू ओदा भी इलम है। फरमाया वाला युहीतूना बिशैइ
شيء من علمي الا بما شاء ہر بندہ اگر علم حاصل کرنا شروع کر دے اللہ دا علم مک سکدا اللہ دا علم مک سکدا نہیں اللہ دے علم دا احاطہ نہیں کیتا جا سکدا ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء ساری کائنات دے اندر اللہ پاک اگر ہر بندے نو ہر مخلوق دے فرد نو علم تقسیم کر دین تے تد وی اللہ دے علم دے اندر کمی واقع نہیں ہو سکدی تد وی اللہ دا علم وسیع ہے اللہ پاک نے اس واسطے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء آئیے ذرا چوتھی صفت اللہ پاک فرماندے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض وسیع کرسی السماوات والارض اللہ پاک نے اللہ پاک اتنی بڑی ذات ہے آسمان و زمین بھی اللہ دے سامنے ہے چے یار میں پڑھ رہا ساں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن اللہ دے بارے دے اندر سوال کرنا ایتے سی ٹھیک ہے درست سوال ہے کہ اللہ کتھے وے اسی جواب دینے ہیں قرآن پاک دے اندروں اللہ پاک نے خود جواب دیتا ہے الرحمن علی العرش استوا رحمان اللہ دی ذات آسمان تے مستوی ہے عرش تے مستوی ہے جدوں اللہ پاک نے آسمان نو بنایا زمین نو پیدا کیتا اللہ پاک اپنے عرش نو لے کر کے کرسی دے اوتے مستوی ہو گئے آسمان تے چلے گئے اللہ اکبر الرحمن علی العرش استوا پتا چلیا اللہ پاک اپنی ذات دے اعتبار دے نال عرش تے مستوی ہے تے اپنے علم دے اعتبار دے نال ہر جگہ تے موجود ہے اللہ دے علم دے اندر ہر چیز ہے زمین دے ٹکڑے دے اتے کوئی بھی چیز اللہ تو مخفی نہیں اللہ تو پوشیدہ نہیں اس واسطے قرآن پاک دا فرمان ہے اللہ پاک فرمان دینے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اگر کوئی بندہ اگر کوئی مومن اگر کوئی مسلمان بندہ ساڑھے کلو سوال کرے علماء دی جماعت دے کلو سوال کرے علماء نو چاہید آئے انہا نو جواب دیا کر مومن بندے نو جواب دین مسلمان بندے نو جواب دیا کر کہ اللہ دی کیفیت دے بارے دے اندر سوال نہ کرے آ کرو کہ اللہ کدہ بیٹھائے اللہ کدہ کھڑائے اللہ پاک دی کیفیت کس طرح ہے تے جواب دیا کرو اللہ دی کیفیت مجہول ہے ساڑھا بس اے ہوئی ایمان ہے اللہ عرش تے مستوی ہے ساڑھا ایمان ہے اللہ کرسی تے بیٹھا ہے لیکن وہ دی کیفیت اللہ خود جاندہ ہے کسے نو نہیں پتا اللہ دی کیفیت کی ہے اللہ اکبر غور دینال توجہ دینال سماعت فرمانا آئیے درہ اللہ پاک فرمان دینے واسیہ کرسی سماوات والارض ولا یعود حفظہما وہو الارض علی العظیم چوتھی صفت میں بیان کر لیا واسیا کرسی السماوات والارض اللہ پاک نے ہر چیز نو گھیر رکھی آئی ہر چیز اللہ دے علم دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ عرش تے مستوی ہے آئیے ذرا اگلی صفت دی طرف توجہ کرنا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا آسمان و زمین دا نظام اللہ نے قائم کیتا ہی اللہ دے ہاتھ دے اندر ہر چیز دا اختیار ہے اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہر چیز دا اختیار ہے اللہ پاک نے آسمان نو پیدا کیتا ہی زمین نو پیدا کیتا ہی ہر مخلوق نو پیدا کیتا ہی ہر چیز نو پیدا کرن تے بعد بیکار نہیں چھڑیا اللہ پاک نے 18 پارے دے اندر فرمایا سورت مومنون آخری رکودیاں آیات نے ذرا کر دے اندر جا کر کے ترجمہ پڑھیا کر تینو سمجھا جائے گی رب
ताला मेरे नाल गल्लां करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बदकिस्मत हाँ, मैं रब दे कुरान पढ़न वास्ते तैयारी कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमांदे ने आफा हासिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊ। अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुहाडा गुमान बन गया ई, क्या तुसी ए गुमान करदे हो, क्या तुहाडे दिल दिमाग दे अंदर ए बात पैदा हो गई है कि सानू अल्लाह पाक ने बेकार पैदा कीता ई, सानू अल्लाह पाक ने जाया पैदा कीता ई, सानू अल्लाह पाक ने नकारा पैदा कीता ई। ओ यार तू ते अशरफुल मखलूकात दा फर्द है, तैनू अल्लाह पाक किस तरह हो सकता है कि बेकार कर दे वे। तू ते अल्लाह दी मखलूकात दे अंदर सब तो बड़ा मुअज्जज़ है, अल्लाह पाक ने तैनू सारिया मखलूकां दा सरदार बनाया ई। अल्लाह अकबर, अल्लाह ते करीब, अल्लाह दे हां ते एक कीड़ा मकोड़ा भी बेकार ते जाया नहीं। अल्लाह अकबर। आफा हासिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह ने तैनू बेकार पैदा नहीं कीता। खोलिए चौथा पारा। अल्लाह पाक ने सूरा आले इमरान दे आखिरी रुकू दे अंदर भी ए चीज दी वजाहत कीती है। अल्लाह पाक फरमांदे ने रब्बना मा खलकता हादा बातिला, रब्बना मा खलकता हादा बातिलन, सुबहानका फकीना अजाबन्नार। खोलिए कुरान एक और मकाम, जरा अपने दिल दिमाग के अंदर बिठा ले। अल्लाह पाक फरमांदे ने अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक्कि मुसद्दिकल लिमा बैना यदैहि व अनज़ला तौरात वल इंजील। एक और मकाम जरा खोल कुरान 16वां पारा। अल्लाह पाक फरमांदे ने व आना तिल वजूह लिल हय्युल कय्यूम, मेरा दिल करता है कुरान पाक ज्यादा तो ज्यादा तेनू सुनावा और तर्जमा कर कर तेनू समझावा कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह साडे नाल गल्लां करना चाहता है, अल्लाह कलाम करना चाहता है, अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मेरे करीब आ जाए, मेरा बंदा मेरा बन जाए, मेरे बंदे तू केड़े दर ते जा रहा वे, केड़े तरफ जा रहा वे। फाइना तजहबून, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो। फअन्ना तुफकून, तुहानू रस्ता भुल गया ई, रब दा रस्ता ते सीधा रस्ता है। मैनू हदीसे मुबारक याद आ गई, अल्लाह दे पाक महबूब पैगंबर जगां दे पीर जनाबे मुहम्मद, जरा गज वज के दरूद पढ़ो सल्लल्लाहो, कंजूसी ना करया करो, गज वज के पढ़ो। हाली आवाज नहीं आई है पिछले महल्ले की, जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मजाक वाली गल नहीं यार, तवज्जो दे नाल समाज फरमाया जे। मैं बार बार आप ते दरूद पढ़ाने की कोशिश करना, एक मरतबा दरूद पढ़ोगे अल्लाह 10 दर्जे बुलंद कर देंगे, अल्लाह 10 नेकियां लिख देंगे, अल्लाह 10 गुनाह माफ कर देंगे। यार कितने बड़े बड़े इनामात ने, सोने नबी दे नाल प्यार ते करके वेख ना, सोने नबी अली सलातो सलाम दे नाल मुहब्बत ते करके देख, अल्लाह कितनी मुहब्बत करता है तेरे दे नाल, तेरे नाल इन्नी मुहब्बत करना चाहता है, उन्ना ही तू दूर जा रहा वे। आइए जरा गौर कीजिए, अल्लाह दे पाक महबूब पैगंबर जगां दे पीर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सिहाबा दे मजमे दे अंदर बैठिया तशरीफ फरमा सन। आपने मुरब्बा लकीर खींची, एक डब्बा बनाया जमीन दे उते और फिर ओदे आसे पासे छोटे छोटे तीर बना दिते, छोटिया छोटिया लकीरां खिंच दित्तियां। दरमान दे अंदरों एक वड्डी लकीर खिंच करके वह तीर नुमा शकल करके वह तीर नुमा वड्डी सारी लकीर खिंच करके आपने ओदे अपने हथ मुबारक नू रख दिता। फरमाया वा अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्ता बियो, मेरे सिहाबा ऐ मेरा रस्ता ही ऐ सीधा रस्ता मोटर वे वाला, जो तुसी मोटर वे ते चढ़ते हो सीधे अपने इलाके दे अंदर जाते हो, भुलते नहीं। अगर तुसी लोकल रोड दे उते चढ़ते हो सकता तुसी अगर लाहौर जाना हो शेखूपुरे दे अंदर चले जाओ, शेखूपुरे तो रस्ता भुल सकते हो, लेकिन जेड़ा रब दा रस्ता ही वह सीधा रस्ता है। ये आसे पासे जड़ियां लकीरां ने ये शैतान दे रस्ते ने, यार इक्को ही रस्ता है जन्नत वाला। इसे वास्ते कुराने पाक दा जरा मवाजना कर, कुराने पाक नू पढ़ करके देख। अल्लाह पाक ने फरमाया मासालुहुम का मासालिल्लज़िस्तौ का दा नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल युबसिरून। कुराने पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने दो चीज़ां अपोजिट बयान कीतियां ने, बराक्स बयान कीतियां ने। एक दा नाम नूर है, एक दा नाम जुलुमात है। नूर वाहद है, नूर दा लफ्ज़ वाहद इस्तेमाल फरमाया। गौर दे नाल बड़ा प्यारा नुकता है अपने दिल दिमाग दे अंदर बिठा लई। अल्लाह पाक ने दो चीज़ां बयान कीतियां ने, नूर दा लफ्ज़ वाहद है लेकिन जुलुमात जुलमतुन दी जमा है, जुलमतुन वाहद है लेकिन जुलमतुन वाहद नहीं लेके आए, बल्कि जमा दा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। लेकिन नूर इक्को ही काफी है। दसना ये चाहते ने अल्लाह पाक सानू अपने बंदियां नू अल्लाह समझाना ये चाहते ने, मेरे बंदे हो मेरे नबी दी बात सच्ची है ते मेरे ते तेरे ईमान दे अंदर ते शक हो सकती है। मेरे प्यारे नबी अली सलातो सलाम दी जुबान मुबारक दे अंदर शक दी गुंजाइश नहीं हो सकती। आपने इसे वास्ते मुरब्बा लकीर खिंची, आसे पासे तीर खिंचे, ये तो पता चलता है शैतानी रस्ते बड़े ने, जुलमात अंधेरे बड़े ने। इधर चले जाएगा उधर भी अंधेरा होएगा, इधर जाएगा इधर भी अंधेरा होएगा। यार जे तू रब दे रस्ते ते जाना चाहना है, जे तू जन्नत दे रस्ते ते चलना चाहना है, तो फिर इक्को ही सीधा रस्ता है, नूर वाला रस्ता है। अल्लाहु अकबर। नूर वाला रस्ता केड़ा है? अल्लाह पाक फरमांदे ने वा अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबियो। ओ यार इक्को रस्ता इख्तियार कर लो, ऐसे रस्ते ते चल दिया सीधे जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओगे। आइए जरा पंजवी सिफत मैं बयान करन लगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने वालाओ या उदोहु हिफ्ज़ुहुमा, इन आसमान जमीन नू बणाउण दे अंदर अल्लाह उकताया नहीं, अल्लाह इन्हां दी हिफाजत कर रहा है। हर बंदे दी हिफाजत दी जिम्मेदारी किहदे जिम्मे ने? अल्लाह कर सकदा है ना हिफाजत? अज अगर चाहे फलस्तीन दे मुसलमानां दी हिफाजत वास्ते अल्लाह अपनी मदद नाजिल कर सकदा है ना? जंगे बदर दे अंदर फरिश्तियां नू नाजिल करके अल्लाह कुफार दे दिलां दे अंदर रोग पैदा कर सकदा है, ते अज भी अल्लाह अपने फरिश्तियां दे जरिए मदद नाजिल कर सकदा है। लेकिन अलमिया ते अफसोस वाली बात यह है कि 153 ममालक दे अंदरों तकरीबन 57 ममालक ऐसे ने जिन्हां दे अंदर मुसलमान वस रहे ने और मुसलमान हुक्मरान मौजूद ने। अपने मुसलमान भाइयों वास्ते मुसलमान वीर वास्ते मदद किस तरह की कर रहे हैं? कोई ऐसा मुजम्मती बयान नजर नहीं आ रहा। मेरे भाइयों ये अलमिया अफसोसनाक बात है कि साडे मुसलमान वीर साडिया अखा के सामने खून के अंदर नहला रहे हो और असी उदा ही बैठे होइए, साडे दिल दिमाग के अंदर साडे जिसम के अंदर कांटे जैसी भी
तकलीफ महसूस ना होए तो समझ लीजिए साडा खून सफेद हो चुके है। आसमान और जमीन दी पैदाइश और इनू पैदा किने कीता है, इहदी हिफाजत कौन करदा है? पहाड़ कदे वेख्या हरकत दे अंदर आए हो ते जदों आउंदे ने ते सारी जमीन हिल जांदी है, वह भी अल्लाह की तरफों जलजला। एक मरतबा जलजला आ जाए तो इंसान हिल जाते हैं, पैर थलो जमीन निकल जाती है कि यार पता नहीं की बन जाएगा। आइए तरा दूसरी ते आखरी सिफ्त, अल्लाह पाक अली जवी है। अली जदा मतलब की है, कुरान पाक के अंदरों मैं बयान करने लगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, जेड़ा हय भी होए, जेड़ा जिंदा होए, जेड़ा हमेशा तो होए ते हमेशा रहने वाला होए, ओहो ही अली होया करदा है। अली जदा मतलब है कि सब तो ज्यादा बुलंद, सब तो ज्यादा बुलंद। मैं ते तू हे चा, सारी कायनात हे चे, अल्लाह दे सामने बुलंद कौन है? इसे वास्ते असी नाम की रखने, अली रखने के अब्दुल अली, अली नाम और है, अली और है। एदा मतलब है सब तो ज्यादा बुलंद, अली दा माना बुलंद और अली दा माना सब तो ज्यादा। सब तो ज्यादा बुलंद कौन है? अल्लाह है। आखिरी सिफ्त ए जड़ी अजीम लफज है ना, अजीम सब तो ज्यादा अजमत दे लायक केड़ी जात है? अल्लाह दी जात है। पूरी आयतुल कुर्सी नु पढ़ लो, आखिरी लफज नु एक पासे रख लो, समझ लो एक सिफत दे अंदर अल्लाह पाक ने पूरी आयतुल कुर्सी बयान कर देती है। अल्लाह ऐसा है जड़ा मुश्किल कुशा है, हर मुश्किल तो रस्ता देने वाला। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह नु पुकार के वेख अल्लाह बड़े रस्ते अता कर दे। अल्लाह नु पुकार के वेख अल्लाह हमेशा तो है हमेशा रहने वाले। मैनू दसो एक पिंड दे अंदर, एक बस्ती दे अंदर, एक इलाके दे अंदर, एक शहर दे अंदर, छोटी जी बस्ती दे अंदर एक बुजुर्ग रहिंदा होवे, उहदी गल भी मन्नी जांदी होवे, लोग उहदे कोल आउंदे हुण फैसले करवाण, मैनू कोई तकलीफ होए किसी बंदे दी तरफों, दसो मैनू किहदे कोल मैं जावांगा? उहदे कोल ही जावांगा यार, सियाणा बंदा है, इहदी लोग मन्नदे भी ने, ते जिहड़ा इहनू इन्नी कदर देण वाला है उहदी किन्नी कदर होएगी, उहदा की मकाम होएगा? आइए तरा आखिरी बात करके अपनी बात नू खत्म करिए। अल्लाह पाक फरमांदे ने वमा कदरुल्लाह हक्का कदरही वल अर्जु जमीयन कब्ज़तुहु यौमल कियामति वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही सुबहानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह पाक ने फरमाया यार, अल्लाह दा कुरान पढ़। अल्लाह पाक फरमांदे ने वमा कदरुल्लाह हक्का कदरही, असी अल्लाह पाक दी उस तरह कदर नहीं करदे जिस तरह अल्लाह दी कदर दा हक है। अल्लाहु अकबर। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावतही, असी कुरान उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह कुरान पढ़न दा हक है। तीसरा मकाम अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, असी अल्लाह पाक दी किताब नू उस तरह नहीं पहचानते जिस तरह असी अपने
बेटे नू अपनी औलाद नू दूरों वे के पहचान लेने आ। यार कुरान दी आयत आ जाए असी आखने आ के यार मेरे समझ दे अंदर ए आयत नहीं आ रही, यार समझ दे अंदर नहीं आई ते मौलवी साहब दे कोलो पूछ लिया कर, मसला समझ नहीं आया कारी साहब दे कोलो आके पूछ लिया कर। ए ना किया कर के यार कुरान नू समझन दी जरूरत कोई नहीं, यार अल्लाह नू समझन दी जरूरत कोई नहीं, अल्लाह दी पहचान दी जरूरत कोई नहीं। ए आयतुल कुर्सी पूरी मैं बयान कीती है, एदा मकसद ए है कि रब नू पहचानो जिस तरह रब नू पहचानन दा हक है, रब दी कदर करो जिस तरह रब दी कदर करन दा हक है, ते रब दी किताब नू उस तरह पहचानो जिस तरह रब दी किताब नू पहचानन दा हक है, रब दे कुरान दी तिलावत उस तरह करया करो जिस तरह कुराने पाक दी तिलावत दा हक है। कुराने पाक दी तिलावत दा हक की है, आइए जरा कुरान सुनिए। अल्लाह पाक ने बड़ा प्यारा मकाम बयान कीते, अल्लाह पाक ने बड़ा प्यारा नक्शा बयान कीते। अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। कुरान पाक दा तीसरा मकाम भी सुन लीजिए। अल्लाह पाक फरमान देने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तौसीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन। तीसरा मकाम एक और जगह थे फरमाया वज़न्नून इज़्ज़ाब मुगाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लान नक़दिरा अलैये फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इला इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह पाक दे पाक महबूब पैगंबर सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दियां इजाजतां तो बगैर अपनी बस्ती तो निकल जांदे ने, वार्निंग हासिल करन तो बगैर ही अपनी बस्ती नूं छड़ करके चले जांदे ने, कश्ती दे अंदर सवार हो गए। कश्ती वाले मल्ला ने आखिया मेरी कश्ती दे अंदर कोई अपने मालक तो भजया होया गुलाम सवार हो गया है, मैनू महसूस हो रहा जेड़ा भी है उन्हूं चाहिदा है जल्दी जल्दी मेरी कश्ती तो निकल जाए वरना इनिया जाना दा ओ देनदार होएगा, इनिया जाना समंदर दी तह दे अंदर चलिया जान गियां। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जल्दी जल्दी छलांग लगा दीती। अल्लाह पाक ने मछली नू हुक्म दे दिता ए मछली ए तेरा कम निकल करके हजम कर जाना ही, आज मेरे हुक्म दे नाल निगल करके हजम नहीं करना, मेरा पैगंबर आ रहा है अपने पेट दे अंदर मेरे यूनस पैगंबर नू जगा दे दे, अपने पेट दे मकाम दे अंदर बेहतरीन जगह दे दे, अपने पेट नू मेरे पैगंबर वास्ते मस्कन बना दे। सैयदना यूनस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ए मछली ने निगलिया अपने पेट नू सैयदना यूनस वास्ते मस्कन बना दिता। अल्लाह अकबर
पवे। सैयदना यूनस अलैहि सलातु सलाम मछली दे पेट दे अंदर 40 दिन तक या 40 साल तक रब दे कोलों इल्तिजावां करदे ने। जेड़े पैगंबर ने रब नू पहचाने आई, रब नू पुकारे आई, किसे और नू नहीं पुकारिया, मछली नू नहीं आखिया ए मछली ए तेरी मेहरबानी मैनू कढ दे, तेरी मेहरबानी मैनू नेरियां कोठड़ियां दे अंदरों नजात दे दे। नहीं नहीं पुकारिया ते रब नू पुकारिया ए हनेरी कोठड़ी दे अंदर रब नू पुकारिया। अल्लाहु अकबर। सुनिए कुरान 17वां पारा है, सूरत दा नाम सूरा अंबिया है, आखिरी पाओ है। अल्लाह पाक फरमांदे ने वज़न्नून इज़ाबा मुगाज़िबन फज़न्ना अल्लाह नकदिरा अलैहि फनादा फिज़ुलुमात अल्लाह इला इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। मछली वाले दा जिक्र तुहानू सुना रहा। अल्लाह पाक ने ऐसी जामे दुआ सिखाई है जेड़ी दुआ दे बारे दे अंदर, जिस वसीफे दे बारे दे अंदर नबी पाक जग्गां दे पीर आमिना दे लाल मेरे ते तेरे पीरो मुर्शद जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेरे सहाबा दी जमात जेड़ा बंदा यूनस वाली दुआ अपनी दुआ का हिस्सा बना लैंदा ही, अपनी दुआ करदिया करदिया पढ़दा है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा यूनस दी दुआ नू अपनी दुआ दा हिस्सा बना लैंदा ही अल्लाह पाक ओदी दुआ नू कदे रद्द फरमांदे नहीं, रद्द कर दे यार पढ़िया कर, हर वेले पढ़दा रहा कर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका। ए अल्लाह तेरी जात पाके तेरे तो इलावा कोई साजी नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे तो इलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह तू मुश्किल गुजा है, अल्लाह तू औलाद देने वाला है, अल्लाह मैं साजदा ते तू मस्जूद है, अल्लाह तू खाल के मैं मखलूक, अल्लाह मैं हे जा तू बुलांदे, अल्लाह तू अलीज भी है, अल्लाह तू अजीम भी है, मैं अब्दुल अजीम मैं अब्दुल अलीज, अल्लाह अब्दुल कयूमा ते तू कयूम है, अल्लाह तेरी हर सिफत है, मेरे अंदर हर किस्म दा ऐब है, अल्लाह मैं गुनाहों दे नाल भरिया होया, मैं मायूबा तू ऐबा तो पाक है, अल्लाह मैं गुनागारा अल्लाह तू बख्शन वाला है, अल्लाह मैं सियाकार अल्लाह तू गुनाहों नू नेकियां दे अंदर तब्दील करने वाला है। सुन जरा एक और नबी दा फरमान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह दे पाक महबूब पैगंबर जगां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जेड़ा बंदा सैयदना यूनस अलैहि सलातु वसलाम दी दुआ पढ़ के अल्लाह दे कोलो मंगदा है अल्लाह फौरन अता कर दिंदा है। सैयदना यूनस दी दुआ दी बरकत दे नाल अल्लाह दे पाक महबूब पैगंबर अली सलातु वसलाम फरमांदे ने, ओ लोगों अपने बच्चियां नू ए पढ़ के दम करिया करो, केड़ी केड़ी दुआ है केड़ा वजीफा है, उईज़ु कुमा बिकलिमातिल्लाह हितामाती मिन कुल्ली शैतानिन वहामतिन व मिन कुल्ली आइनिल लामतिन। सैयदना इब्राहिम अली सलातु वसलाम दे दो बेटे सन, किन्ने केड़े केड़े जरा दसो, इब्राहिम दे केड़े केड़े बेटे सन, सैयदना इस्माइल ते सैयदना इसहाक। इत्थे मैं जरा एक नुक्ता बयान कर दिया, बात लंबी हो रही है, आखिरी बात है बस। सैयदना इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम दे दो बेटे सन, एक दा नाम इस्माइल सी, एक दा नाम इसहाक सी। अल्लाह पाक ने इसहाक तो लड़ी चलाई सैयदना याकूब, सैयदना यूसुफ, चलदियां चलदियां मूसा ईसा, ईसा ते जाके ब्रेक लग जांदी है। ए जेड़ी लड़ी है ए बनी इसराइल दी लड़ी है,
ये लड़ी के दी है अज यहूदियां ईसाइयां दे नाल मुसलमानां दी एहो ही लड़ाई है ना। वो आखते ने असी इब्राहिमी आ, असी आखने असी इब्राहिमी है। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नू मुशरकीन मक्का यहूदो नसारा ये आखते सन साडा तालुक इब्राहिम दे नाल है, तुहाडा तालुक इब्राहिम दे नाल नहीं। लेकिन प्यारे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी शान अजमत की है। इधर देखो अल्लाह पाक ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बेटा अता कीता इसहाक। इसहाक तो चलदियां 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 मूसा ईसा आए। इत्थे ब्रेक लग जांदी बनी इसराइल दी लड़ी, ए लड़ी जांदी है इसहाक, इसहाक तो इब्राहिम। इहदे अंदर एक दा नाम याकूब, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालदे गिरामी, ए भी नबी सन। ए नबियां दी लड़ी ते याकूब दा लकब सीगा अब्दुल्ला इसराइल, उना दा लकब सी इसराइल। ओदी तरफ निस्बत है बनी इसराइल, ओदी तरफ है निस्बत बनी इसराइल दी। ते आज असी आखने ना अल्लाह इसराइल तबाह कर दे, असी आखने ना ए लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। ए इसराइल ते लकब सी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, असी ये आखिए अल्लाहुम्मा लानिल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूदो नसारा नु तबाह कर दे, अल्लाह ए यहूदी और ईसाइयां नु तबाहो बर्बाद फरमा दे, जड़े लोग जड़े जालिम साढ़े मुसलमाना ते जुल्मो सितम दी इंतहा कर। ये आखना चाहिए, ये नहीं आखना चाहिए अल्लाहुम्मा लान बनी इसराइल। इसराइल इसराइल ते नबी दा लकब सीगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम सन। ते एक बेटा सी इस्माइल, ओदे अंदरों कोई नबी पैदा नहीं होया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ कीती सी रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यदलु अलैहिम आयातिकम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। परवरदिगार ए रब ए सारी कायनात नू पालन वाले, मेरे अंदरों एक ऐसा नबी भेज दे जेड़ा तेरे कुरान दियां तिलावतां करिया करे, लोगां नू पढ़ पढ़ के सुनाया करे, तेरी पहचान करवा दे। सैयदना इब्राहिम ने हजारों साल पहले दुआवां कीतियां ने। सैयदना इस्माइल तो बाद चलदियां चलदियां कोई नबी दरमियान दे अंदर नहीं आया। कैसी शान अल्लाह पाक ने अता फरमाई सैयदना इस्माइल नू, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू चलदियां चलदियां एक नबी जेड़ा सारी कायनात दा सरदार बनया जेदा नामे नामी इस्मे गिरामी मुहम्मद, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किला बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निजार बिन माद बिन अदनान बिन अद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन किमवाल बिन उबई बिन अव्वाम बिन नाशिद बिन हिजाब बिन बुलदास बिन यदलाफ बिन ताबख बिन जाहम बिन नाहश बिन माखी बिन ऐस बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजुन बिन यलहन बिन इरावा बिन दीशान बिन ऐसर बिन अफनाद बिन एहाम बिन मिक्सल बिन नाहस बिन जारे बिन सुमई बिन मुजई बिन औजा बिन उराम बिन केदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजर बिन नाहूर बिन सारू बिन राव बिन आबर बिन शालख बिन अरफाक्षद बिन साम बिन नूह बिन लामक बिन अखनूख बिन यरिद बिन महलाइल बिन किनान बिन अनुशा बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक ने ते आपदा नामे नामी गिरामे आपदा नामे नामी भी महफूज कीता है। ए आप नू शांते अजमत ते रिफत ते बुलंदी मिली है। अल्लाह अकबर मैं क्यों ना कह देवा मोहब्बत कयों जिसने दरिया बहाए, मोहब्बत कयों जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लें
لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی وہ دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی وہ کہتے تھے کہو لا الہ وہ کہتے تھے جڑا میرا محور ہے جڑا میرا منبع ہے میری گفتگو دا منبع ذرا سن لو وہ کہتے تھے کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے ایک اور ذرا شاعر دی بات سن لو میں گلیاں دا گوڑا دوڑا تے صاحب نو وڈیاں خش خش جتنی قدر نہ میری تے معاف کریں رب سائیاں لوکی ویکھن تے دیوڑ دیس نکالا او لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا اللہ دے کولو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی اس طرح پہچان دی توفیق عطا فرمائے جس طرح پہچان دا حق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے در دا محتاج بنائے اور ہمیشہ اپنے گھر دا محتاج بنائے ہمیشہ اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے فلسطین دے مسلمانہ واسطے بھی دعا کرن دی اونا واسطے ہر ٹائم ہر وقت ہر ہر لمحے ہر ہر قدم تے مستعد رہن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین